الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعلنا مباركا اينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا مانگ مانگ جو منگنا اے رب کولو मंग मंग जो तेरी ओ मंग होवे
मंग मंग के बन जा रब दा मंगता लथ जावे मंगतिया संग तेरी ते जदों खुलने ने मूँह खजानियां दे जदों खुलने ने मूँह खजानियां दे रह जावे अकले दंग तेरी रब दाता कुल जहाना दा बस झोली दिस दिए तंग तेरी हर किस्म दी हमदो सना तारीफात किबरियाई बड़ाई तन्हाई शहनशाही बादशाही अल्लाह वहदहू ला शरीक दी जाते पाक वास्ते खास दुरूदो सलाम सैयदुना व इमामुना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जात गिरामी ते जीवकार मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामियात बुजुर्गो भाइयो नौजवान साथियो वाजिब अल एहतराम मुअज़्ज़ज़ात मुकर्रमात पर्दा नशीं रूहानी इस्लामी माओ और बहनों अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर इल्तजा है परवरदिगारे आलम साडा सारियां दा अज दा इस मुकाम ते जमा होना खुतबा जुमा सुनना सुनाना अल्लाह ताला अपनी बारगाह दे अंदर कबूलो मंजूर फरमाए जो मैं बयान करा अल्लाह ताला किताब व सुन्नत दे मुताबक मैनु हक सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए जीवकार मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामियात अज दे खुतबा जुमा दे अंदर जद्दोलंबिया अल्लाह ताला दे बड़े प्यारे पैगंबर जलील उल कदर पैगंबर सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहि सलात व सलाम दी सीरत दे हवाले नाल चंद गुजारशात करना चाहवांगा। उस अहबाब नू मालूम है जो ही ईद उल अज़हा दा वक्त करीब आंदे उलमाए कराम खुतबाए इज़ाम मसाजद दे अंदर मदारस दे अंदर दरसो तदरीस दे अंदर अपने खिताबात दे अंदर अपनी तकारीर दे अंदर हर साल किसी न किसी हवाले नाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलात व सलाम दी सीरत दा तज़किरा करदे। उसकी वजह क्या है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलात व सलाम नू बड़ी अजमत बड़ी शान व शौकत नाल नवाजिया और इस अजमत की वजह को आला नसब और हुस्न जमाल नहीं बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना आला किरदार और इस्तकामत फिद्दीन और हर इम्तिहान के अंदर इस्तकामत का मुजहरा किया जिदी वजह करके इस 30 पारियां वाले कुरान पाक के अंदर अगर सब तो ज्यादा किसी हस्ती दे नाम का तज़किरा किया गया तो उन्हें हज़रत इब्राहीम कहा जाता है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और मेरे नाकस इलम के मुताबक कुराने पाक के अंदर सब तो ज्यादा तज़किरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लैके होया और कुराने पाक के अंदर 69 मरतबा अल्लाह ताला ने लफ्ज़ इब्राहीम का इस्तेमाल फरमाया।
अंदाजा लगाओ कि अल्लाह ताला नू अपने प्यारे पैगंबर नाल कितनी मुहब्बत है, कितना प्यार है। और अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरत कुरान पाक के अंदर नाजिल की थी ये जिदा नाम इब्राहिम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो हस्ती ने कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं मेराज वाली रात आसमाना ते गया, सत्तवें आसमान ते मेरी मुलाकात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे नाल होई। आप बैतुल मामूर दे अंदर टेक लगा करके बैठे सन, इतनी अजीम हस्ती। और नबी पाक अलैहिस्सलाम अक्सर फरमाया करदे सन मैं अपने बाप इब्राहिम दियां दुआवां दा समर बन के आया। अल्लाह इतनी बड़ी हस्ती, और अल्लाह ताला ने इस हस्ती नूं अपने कुराने पाक दे अंदर कई एक मुकाम ते बयान किया। अज दी नशिस्त दे अंदर खुतबे जुमा दे अंदर मैं इंशाअल्लाह अल्लाह दी रहमत और उहदी तौफीक खास दे नाल कुराने पाक दे अंदरों हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी सीरत दा तज़किरा पाक करना चाहवांगा। दुआ करना अल्लाह ताला शरह सदर फरमाए, मैनू हक सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। सब तो पहला अल्लाह ने कुराने पाक दे अंदर किन किन अलकाब नाल हज़रत इब्राहिम नू जिक्र फरमाया, अल्लाह दा कुरान समात फरमाना और मुहब्बत प्यार नाल कुरान सुनना ईमान ताज़ा कर दिया जाना। हबीबे किबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने नबी पाक ने सलातु वसलाम दे सीने पाक ने कुरान पाक नादल फरमाया। अल्लाह फरमांदे ने वत्तखदल्लाहु इब्राहीम खलीला, फरमाया कायनात दे रब ने इब्राहिम नू अपना खलील बनाया, दोस्त बनाया। हर नबी नू अल्लाह ताला ने कोई ना कोई इजाज़ अता कीता है, कोई ना कोई लकब अता कीता है। ते सैयद ना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे किस्से दे अंदर जिहड़ा लकब आए उन्हू खलीलुल्लाह कहा जांदा है, यानी अल्लाह दा दोस्त। सारे नबी अल्लाह दे दोस्त ने, जिन्ने अल्लाह दे नेक बंदे ने सारे अल्लाह दे दोस्त ने। लेकिन कायनात दे लोगो किसे बंदे नू खास नाम लै करके इजाज़ दिता जाए उहदी अजमत बुलंद हो जांदी है। अल्लाह ताला ने किसे पैगंबर नू खलील नहीं आख्या, अपने पैगंबर इब्राहिम नू फरमाया फरमाया वत्ता खज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, फरमाए इब्राहीम साडा खलील साडा दोस्त है। ते किते कायनात दे रब ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी अजमत दा तज़किरा इंज फरमाया फरमाया काला इन्नी जाइलुक लिन्नास इमाम, फरमाया खलील सुनिया असा तुहानू लोगों वास्ते इमाम बना दिता है। अल्लाह को अकबला कितने अल्लाह ताला ने सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी अजमत दे तज़किरे इस अंदाज नाल कुराने पाक दे अंदर फरमाए फरमाया कद कानत लकुम उसवतुन हसनतुन फी इब्राहीम, फरमाया कायनात दे लोगो मेरा इब्राहिम तुहाडे वास्ते आइडियल है, मेरा इब्राहिम तुहाडे वास्ते नमूना जे। किते अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी अजमत दा तज़किरा इंज फरमाया फरमाया इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाह, फरमाया मेरा इब्राहिम कल्ला ही पूरी उम्मत सी। इन्ना इब्राहीम काना उम्मा इन्ना इब्राहीम काना उम्मा, अल्लाह को अकबर कल्ले इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने पूरी उम्मत आखिए फरमाया कानितल लिल्लाह, मेरा खलील मेरा फरमा बरदार सी मेरा ताबेदार सी। लेकिन अल्लाह ताला ने
سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت دے تذکرے کردیاں فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلا فرمایا مقام ابراہیم نو نماز دی جگہ بنا لو اللہ کو اقبل آج حاجی خاج کرن واسطے جاندے نے عمرہ کرن واسطے جاندے نے این کر کے جناب ملتزم کراس کریے نا تے چاند قدم اگے ایک جگہ بنیے جتھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے پیراں دے نشان نے جنوں کیا جاندا ہے مقام ابراہیم اللہ کو اقبل آ میرے پیغمبر سلام بیت اللہ دا طواف کر رہے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر نو کہندے نے سونیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے مقام تے درختاں نہ پڑھ لئیے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عمر سونیا ہلے تک اس حوالے نال شریعت کوئی نہیں نازل ہوئی اس حوالے نال آسماناں تو وہی کوئی نہیں نازل ہوئی آسمان والے رب نے آسمان تو قرآن پاک نازل فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلا فرمایا سنیا عمر نے زمین تے مشورہ دیتا ہے میں آسمان تے کہنا وا مقام ابراہیم نو نماز دی جگہ بنا لو ہن جڑا حاجی حج کرن واسطے جاندے عمرہ کرن واسطے جاندے جتھے عمرے دے باقی لوازمات پورے کر دے ہوتے جدوں طواف تو فارغ ہو جاندے دو رکعتاں مقام ابراہیم تے ادا کردا اے اے عظمت نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں تے کیتے کائنات دے رب نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت دیاں تھمیں ڈپائیاں نے فرمایا واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیق نبی فرمایا سونیا اس کتاب دے اندر ساڈے ابراہیم دا تذکرہ کرو نا ساڈے ابراہیم دیاں گلاں کرو نا ساڈے ابراہیم دا قصہ سناؤ نا ساڈے ابراہیم دی داستان سناؤ نا جڑا ساڈا سچا نبی اے جڑا ساڈا سچا نبی اے مینوں رب دی قسم اے میرا ایمان اے 1,25,000 کم و بیش انبیاء آئے ہر نبی سچا گڈ کے بولو ہر نبی سچا لیکن اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم دے نال لبدے صدیق لگا کر کے حضرت ابراہیم دی عظمت نو اجاگر کیتا ہے حضرت ابراہیم دی عظمت نو بیان کیتا ہے فرمایا واذ کر فل کتاب ابراہیم انہ کان صدیق نبیا فرمایا سونے میرے خلیل دا تذکرہ کرو نا میرے ابراہیم دا تذکرہ کرو نا جڑا ساڈا سچا نبی سی آئیے دھیان کریے ایڈیاں عظمتاں اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر بیان کیتیاں متعدد مقامات نے اللہ تعالی نے حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دا تذکرہ فرمایا ہن میں اک گل سمجھانا چاہنا وا اک نقطہ بیان کرنا چاہنا وا اک بات تہاڈے ذہن دے اندر بٹھانا چاہنا وا حضرت ابراہیم ایڈی عظمت والے سن ایڈے شان والے سن یہودی کہندے سن حضرت ابراہیم ساڈے نے عیسائی کہندے سن حضرت ابراہیم ساڈے نے اللہ کو اکبر دے میرے پیغمبر دے صحابہ کہندے نے سونیا دسو نا حضرت ابراہیم کون سن نبی پاک نہیں بولے آسمانا تو قرآن آ گئے اللہ فرماتے نے کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما فرمایا میرا ابراہیم نہ یہودی سی
ना ईसाई सी बल्कि कौन सी मुसलमान सी। अल्लाह अकबर से बात अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे दूसरे मुकाम ते बयान फरमाया फरमाया इस काला रब्बुहु अस्लिम काला असलम तो ले रब्बिल आलमीन। फरमाया मेरे इब्राहिम जिदो इब्राहिम नु कहा गया ओए मेरे खलील मेरा ताबेदार बन जा फरमा बरदार बन जा रब दा ताबेदार बन जा मुसलमान दा माने फरमा बरदार बन जाना मुसलमान दा माने ताबेदार बन जाना। अरे मुफस्सरीन ने तर्जमा करन वालियां ने तर्जमा कीता है मुसलमान नु कहा जांदे ये जो मिसाल समझाइए जिवें ऊंट दे नक दे अंदर नकेल डाल दीती जांदी है जिदे हाथ दे अंदर ओदी रस्सी हुंदी है जिधर जिधर लेके जांदे ऊंट उधर चलदा जांदे ते मुसलमान दा माना एवे के इस्लाम जिधर जिधर लेके जांदे उधर उधर चलदा जांदा है इस्लाम दे ताबे हो जांदे मुसलमान दा चलना भी इस्लाम दे मुताबक मुसलमान दा बैठना भी इस्लाम दे मुताबक मुसलमान दियां खुशियां भी इस्लाम दे मुताबक मुसलमान दियां गमियां भी इस्लाम दे मुताबक मुसलमान दी तजारत माईशत भी इस्लाम दे मुताबक क्योंकि मुसलमान दा माना ही फरमा बरदार बन जाना मुसलमान दा माना ही रब दे ताबे हो जाना। ते अल्लाह फरमांदे ने इज काला लाहुल रब्बुहु अस्लिम काला अस्लम तो ले रब्बिल आलमीन। फरमाया जिदों असी क्या हो मेरे इब्राहिम साडा फरमा बरदार बन जा ते इब्राहिम ने क्या अल्लाह सुनिया मैं तेरा फरमा बरदार बन गया। अल्लाह असी इंज दे मुसलमान बनिए इब्राहिमी बनिए अल्लाह अकबर ला असी भी मुसलमान बस नाम दे मुसलमान काम दे मुसलमान नहीं। एहो वजह जिदों भी कोई फितना सर उठांदे साडा पहला निशाना जिहड़ा हुंदे ओह इस्लाम हुंदा है। पिछले दिनों लाहौर दे अंदर एक वाकया पेश आया एक मुफ्ती बेगैरत ने वो गलत हरकत कीती है किसी भी मजहब दे अंदर कोई एक बंदा गलत हरकत करे वो मजहब नहीं बदनाम हुंदा गलती किहदी हुंदी उस बंदे दी हुंदी गलती किहदी हुंदी है। और मैनू दसो ना डाक्टरां दा इक शोभा है अगर कोई एक डाक्टर गलती करदा क्या सारे डाक्टर खराब हो जाएंगे। वकालत एक शोभा है अगर कोई एक वकील गलत काम कर दे क्या सारे वकील गलत होंगे। प्रोफेसर एक शोभा है एक प्रोफेसर गलती करदा क्या सारे प्रोफेसर गलत हो जाएंगे। सियासत एक शोभा है अगर एक सियासतदान गलत हरकत कर दे क्या सारे सियासतदान गंदे हो जाएंगे। इधर तुसी बड़े सोच दे हो जी एक सियासतदान ने गलती कर ली तो की होया बाकी ते चंगे ने ना। एक डॉक्टर ने गलती कर ली है तो की होया बाकी ते चंगे ने ना। एक SHO ने गलती कर ली है तो की होया बाकी ते चंगे ने ना। एक जज ने गलती कर ली तो की होया बाकी ते चंगे ने। अगर एक मौलवी ने गलती कर ली है दा मतलब इस्लाम इंज दा हुक्म देंदा इस्लाम इंज दा पैगाम नहीं देंदा। मैनू रब दी कसमे जाइए मेरा पैगाम है उन्हां लिबरलां नू जिहड़े पाकिस्तान दे अंदर इस्लाम नू बदनाम करना चाहते ने जाइए पूरे दुनिया दे मजहब दा मुताला कीजिए जिहड़ा गैरत हया दा दरस मेरे इस्लाम ने दित्ते पूरी दुनिया दे किसे मजहब दे अंदर नजर नहीं आए क्यों भी कितने नजर आएगा। इस्लाम ने इथो तक पैगाम दिता है तू दुनिया की गल करने घर के बच्चिया के बारे नबी पाक ने फरमाया जो बच्चा 7 साल का हो जाए उन्होंने नमाज का हुक्म दियो जो 10 साल का हो जाए नहीं पढ़ता तो माड़ के पढ़ाओ। तो अगले हदीस पाक के अल्फाज ने वा फरिकू बैना हुम फिल मजाजी नबी पाक फरमाते ने जदों बच्चे बालग हो जाण ते इन्हां दे बिस्तर। इस्लाम ने तेडा हया दा पैगाम दिते के दो भरा बालग हो जाण एक चारपाई ते ना लेटण ते तू इस्लाम नू बदनाम करना चाहना किसे एक दी गलती इस्लाम दी गलती
कोई मौलवी गलती कर ले डायरेक्ट हमला मस्जिदों ते डायरेक्ट हमला मदारस ते अल्लाहु अकबर ला यूनिवर्सिटियां दे अंदर की नहीं हुंदा हस्पतालां दे अंदर की नहीं हुंदा थाणियां ते कचहरियां दे अंदर की नहीं हुंदा आगे मुसलमानों ऐसियां कुवतां नूं दबाणा होएगा ऐसियां कुवतां दे सामने दीवार बन के खड़ा होना होएगा असी मुसलमान मस्जिदां दा तहफ्फुज़ भी करना जानने इंशाअल्लाह मदारस दा तहफ्फुज़ भी करना जानने अल्लाहु अकबर ला तो जो करना बाप दूर ना निकल जाए हबीब इब्रिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने नबी पाक ने सलातो सलाम दे सीने पाक ते कुरान पाक नाज़िल फरमाया फरमाया इस काल लागो रब्बहु अस्लम काल सलाम तो ले रब्बिल आलमीन फरमाया जदों असी कहा मेरे खलील साडा ताबेदार बन जाओ फरमा बरदार बन जाओ ये हजरत खलील ने मुसलमान बन के वखा दिता आइए गड़ात में कुरान पाक दे पांच छे मुकामात बमा तर्जमा सामने बयान कर चुके गदर ते सलाम इब्राहीम फरमाया सुनिया मैं रब कहिंदा पिया वा पैर भी करो मिल्लत इब्राहीम दी रब अपने पैगंबर नू कह रही है नबी पाक नू अल्लाह ताला मुखातब करके फरमा रहे ने फरमाया कुल सादा कल्लाह फत्ताबिउ मिल्लत इब्राहीम खनीफा फरमाया सुनिया मैं रब कहिंदा पिया वा मिल्लत इब्राहीम दी पैर भी करो यकसू हो करके वड्डा की है फरमाया वा मा काना मिनल मुशरकीन मेरा इब्राहीम मुशरक नहीं सी शिरक करने वाला नहीं सी इत अल्लाह फरमांदे ने इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितल लिल्लाही हनीफा वलम यकु मिनल मुशरकीन इत अल्लाह फरमांदे ने सुम्मा औहैना इलैका अनितबे मिल्लत इब्राहीम खनीफा वमा काना मिनल मुशरकीन अल्लाह ताला ने इन्हां तीन आयतां दे अंदर सब तो पहली जिहड़ी हज़रत इब्राहीम अली सलातो सलाम दी खूबी बयान कीती ये हज़रत इब्राहीम ने सारी जिंदगी रब दे नाल शिरक कीता रब दे नाल शिरक नहीं कीता अगर इज्जत चाहने मुकाम चाहने वकार चाहना है अपनी जिंदगी दे अंदर कदी शिरक ना आण देई अल्लाह दी साथ दे नाल किसे नू शरीक ना बनाई अल्लाह दा किसे नू सांझी ना बनाई ओ कल्ला तन तनहाए इबादत दे अंदर जात सिफात दे अंदर अकेला है हजरत इब्राहीम ने सारी जिंदगी रब दा शरीक कोई नहीं बनाया और नबी पाक ने सलातो सलाम ने अपने सहाबा हजरत अबू दरदार दी अल्लाह तआला अनखो नु फरमाया सी मेरे पैगंबर दे सहाबी खुद बयान कर दे ने औसानी खलीली अल्लाह तु शरीक बिल्लाह इन कुत्ते दा औ हुर्रक दा मेरे पैगंबर दे सहाबी कहंदे ने मेरे खलील ने यानी नबी पाक ने मैनु वसीयत फरमाई आप फरमांदे ने ओए मेरे प्यारे सहाबी अबू दरदार अल्लाह दे नाल शिरक नहीं करना चाहे तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिते जान चाहे तेनु जला दिता दे इन अल्लाह अल्लाह नबी पाक ने सलातो सलाम ने एको पैगाम दिता अज छोटी छोटी गल तो रब दे नाल शिरक करन लग जाने कदी धागा बन के रब नाल शिरक करने कदी कड़े पा के रब नाल शिरक करने कदी छल्ले पा के रब नाल शिरक करने कदी कालियां खांडियां रख के रब नाल शिरक करने कदी गड्डी दे नाल टुटे छित्र बन के रब नाल शिरक करना है छोटियां छोटियां गल्लां ते रब दी जात दे नाल शिरक करन लग जाने ना ना मेरे बराबर मेरे मोहतरम मेरे पैगंबर ने दसिए दुनियादार इम्तिहान है दुनिया के अंदर दुख भी
मिलते ने ते सुख भी मिलते ने। ते जो सुख मिलन अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए, ते जो दुख आन ते रब दे नाल शिरक नहीं जे करना। नबी पाक ने फरमाया जो बंदे नू को तकलीफ आए, को परेशानी आए, जेडा मर्जी वड्डा दुख आए, जेडी मर्जी वड्डी तकलीफ आए, ते पता की कहना है। इधर मेरे वल वेखिया जे तालिबे इल्म दा नुक्ता और मेरे पैगंबर दा दसिया होया फरमान नोट करके लै जाना। मुश्किल जिड्डी मर्जी वड्डी आ जाए, परेशानी जिड्डी मर्जी वड्डी आ जाए, रब दे नाल शिरक नहीं करना, बल्कि की कहना है अल्लाह अल्लाह रब्बी अल्लाह उशरिकु बिहि शैया। अल्लाह तू ये अल्लाह तू ये ऐ वेख ले मेरे तेम ध्यान आ गए। 20 साल हो गए ने मैनू बीमारी दे अंदर, मालका 20 साल भी बीमारी दे अंदर रह करके मैं तेरे नाल शिरक नहीं पिया करदा। अल्लाह कारोबार दा घाटा पै गए, फैक्ट्री तबाह हो गई है, कारखाना खत्म हो गए। अल्लाह जवान पुत्र दुनिया तो टुर गए ने, मालका मैं दुनिया के दुखों के अंदर घिर गया वा, लेकिन शाह मैं तेनु गवाह बना के कहना अल्लाह अल्लाह रब्बी अल्लाह उशरिकु बिहि शैया। अल्लाह वाले अल्लाह दे नाल शिरक कर दे नहीं कर दे। अल्लाह हर हाल दे अंदर अल्लाह दी रजा ते राजी रहना चाहिए, शिरक नहीं करना चाहिए। ते मैं उन्हां भाइयां नूं पैगाम देना चाहना जिहड़े छोटियां छोटियां गल्लां ते अल्लाह दी जात दे नाल शिरक करन लग जांदे ने। ओए अल्लाह दा दित्ता रिज़क खाने वाले, अल्लाह दा दित्ता रिज़क खाने वाले, नियाज़ां ते गैरां दा ना लाने वाले, अल्लाह दा दित्ता रिज़क खाने वाले, नियाज़ां ते गैरां दा ना लाने वाले। शक्ल तेरी सोहनी बनाई ते अल्लाह, जे तंदुरुस्ती तेनू अताई ते अल्लाह, शकल तेरी सोनी बनाई ते अल्लाह, जे तंदुरुस्ती तेनू अदाई ते अल्लाह, जे नेमत देवे हजारा ते अल्लाह, सुने तेरियां जे पुकारा ते अल्लाह, करे हर किस्म दी करे हर किस्म दी अल्लाह मेहरबानी, करे हर किस्म समदी अल्लाह मेहरबानी, है फिर भी उस वल्लों रुगरदानी, है फिर भी उस वल्लों रुगरदानी। लड़ी तेरी दंदां दी किन्ने परोती, जड़े अक्खां विच जिन्ने सोने ओ मोती, मत्था चन्न वरगा ते तलवार अबरू, ओए मत्था चन्न वरगा ते तलवार अबरू, संवारे ने किन्ने तेरे रुख सारे अबरू, सवारे ने किन्ने तेरे रुख सारे अबरू। बना सकदा है कोई अखा नक कन्ना, ओए बना सकदा है कोई अखा नक कन्ना, मौला दियां मेहरबानियां चन्ना, अल्लाह दियां मेहरबानियां सब चन्ना। ठंडे दिल कर गौर, ठंडे दिल कर गौर, दस मैनू ये हाथ पैर ता कीते दस किन्ने तैनू, जुबान बोलने लई है किन्ने अताई, जबां बोलने है किन्नी अताई, पिया गल्ला करदा टके टके दियां, और रिड़ना ते टुरना तेनू किन्ने सिखाया,
तू एहसान ओ देंदा की मुल पाया, तू एहसान ओ देंदा की मुल पाया, जे कुदरत वल्लों एक आखे हो जावे काणी, जे कुदरत वल्लों एक आखे हो जावे काणी, कठी हो के आ जावे पीरां दी टाणी, ए दुनिया दे बलियां दा लग जावे मेला, गुरु सारे आ जान हर गुर दा चेला, ते सोरे लगावे अकेला अकेला, ना बन सकेगा एक अख दा डेला, अगर कोई नकली बड़ा भी लवेगा, अगर कोई नकली बड़ा भी लवेगा, उदे विचों कुछ भी नजर ना पवेगा, बनावन वाला ओदी कीमत लवेगा, वो जिने तैनू सब कुछ मुफ्त विच अताया, तू एहसान ओ देदा की मुल पाया। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी पहली खूबी, सारी जिंदगी रब नाल शिरक कीता, रब दे नाल शिरक कीता, ते असां भी इंशाल्लाह सारी जिंदगी करना, ये बड़ा वड्डा गुनाह है। अल्लाह दी कसमे कुरान पाक दे अंदर अल्लाह ताला ने वाज़े ऐलान फरमा दिता है, इन्नल्लाहा ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। फरमाया जमीन आसमान दे दरमियान जितना खलाए मेरे बंदिया गुनाहों नाल भर के ले आई, लेकिन मेरे नाल शिरक करके ना आई। अगर मेरे नाल शिरक ना कीता ते मैं माफ कर देवांगा, ते मुशरक दी नजात, मुशरक दी नजात नहीं। अल्लाह अकबर, पहली खूबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी, जिदी वजह करके अल्लाह ने इज्जतां दित्तियां, मुशरक कदी भी इज्जत पा सकदा नहीं, पा सकदा इज्जत मुआहद वास्ते, तुहीद परस्त वास्ते। आइए गौर करना दूसरी खूबी, हबीब इब्रिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी अजमत दे तज़किरे कुरान पाक मेरे पैगंबर दे सीना पाक ते नाज़िल करके फरमाया, दूसरी सिफत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी, जिदी वजह करके अल्लाह ताला ने अजमतां ते शाना अता फरमाईयां। अल्लाह बड़े इम्तिहान आए, बड़ियां अजमाइशां आईयां। अल्लाह केड़ा इम्तिहान है जिहड़ा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ते नहीं आया, इतों तक अल्लाह ताला ने बुढ़े वारे तक औलाद भी कोई नहीं अता की, लेकिन सारी जिंदगी रब दा शिकवा कीता नहीं कीता, इम्तिहान भी आए अजमैशा भी आईया, और रब ने औलाद भी नहीं अता की, शिकवा नहीं कीता। ते बुढ़ापे दे अंदर अल्लाह ताला ने दो पुत्र अता किए ने, अल्लाह दे खलील ने बुढ़े बारे औलाद मिली, ते की कीता फरमांदे ने, अलहम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबली अलल किबरी इस्माईल व इसहाक इन्ना रब्बी लसमीउ दुआ। उस रब दा शुक्र है जिन्हें बुढ़े बारे मैनु इसहाक अता कीता, इस्माईल अता कीता। अल्लाह को अकबर, ते मेरिया दुआवां सुन वाला कौन है? मेरा रब है। अल्लाह को अकबर, ओ मेरे वीरे, ओ मेरे बरादर, मेरे मोत्र, मेरी ओ मामो भैनो, अल्लाह ताला ने अगर कुछ नहीं दिता ते रब दे शिकवे ना करया करो। जे अल्लाह ताला अता कर दिंदे फिर ना शुक्रिया नहीं, अल्लाह का शुक्रिया अदा कर। उतर वाला कुरान दसदा पे हजरत कलील ने रब दियां नेमतां दी कदर की। अल्लाह फरमांदे ने, शाकिर अल्ले अनोमी इजतबाहु व खदाहु व खुदाहु इला सिरात مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنا وإنه في الآخرة لمن الصالحين।
अल्लाह मैं कुर्बान जावा। अल्लाह फरमांदे ने साडा इब्राहिम साडियां नेमतां दा कदरदान सी, साडियां नेमतां दा कदरदान सी। शाकिर अली अनोमी इजता बाग व खुदा को इला सिरात मुस्तकीम। देखो वजह अल्लाह ने, अल्लाह फरमांदे ने असी दुनिया विच इनू चुन ले ते हदायत दा रस्ता दे छड़िए, ते आग दुनिया दे अंदर बेहतरी अता कीतीए, ते आखरत दे अंदर नेक लोगां दे अंदर शामिल कर छड़िया है। अल्लाह को अकबर। दूसरी खूबी, दूसरी खूबी हज़रत खलीलुल्लाह दी, हज़रत खलीलुल्लाह अल्लाह दियां नेमतां दा शुक्रिया अदा करन वाले रब दा शुक्र गुजार बंदा बन जाओ। अल्लाह फरमांदे ने वा इज़्ज़ता जाना रब्बुकुम ला इन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम वाला इन कफर तुम इन्ना अदाबी ला शदीद। फरमाया मेरे बंदियों मेरिया दितियां हुई नेमतां ते मेरा शुक्रिया अदा करोगे तो मैं होर अता करांगा, अगर ना शुक्रिया करोगे तो मेरी पकड़ बड़ी सख्त जाए। और अल्लाह की कसम मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत का बड़ा बगौर मुतालिया किया है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम की जुबान ते शब रोज अल्लाह की नेमतां दे शुकराने ते बड़ी मशहूर हदीस है, मेरे पैगंबर सारी सारी रात अल्लाह दी इबादत करया कर दे। मां आयशा कहंदियां ने सोने सारी सारी रात जा ऐशा क्यों ना मैं अपने रब दा शुक्र गुजार बंदा बन जावा। आइए मेरे बरादर, अल्लाह ने नेमतां अता कीतियां ने ते अल्लाह दा शुक्रिया अदा करया कर। जे इम्तिहानां दे अंदर रब दे शिकवे करने नहीं जे करने, रब दे शिकवे नहीं जे करने। ते तीसरी खूबी कदरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी, अल्लाह फरमांदे ने वाला कद जात रुसुलना इब्राहिम बिल बुशरा कालू सलाम काला सलामुन हमाला बिजन जा बिजली हनीद। अल्लाह को अकबर। अल्लाह फरमांदे ने मेरा इब्राहिम मेहमान नवाज सी, हजरत इब्राहिम मेहमान नवाज सी। अल्लाह अकबर। अल्लाह ऐ मेहमान नवाजी करना नबियां दी सुन्नत है, आए मेहमान दी इज्जत करना नबियां दी। मैं पिछले जुमे के अंदर हजरत अबू तलहा अंसारी उन्हां दी बीवी दा वाकया बयान कीता सी। मेहमान नवाजी करना बहुत बड़ा अमल है, आइए तवज्जो करना ये पता किड्डा वड्डा अमल है, आइए गौर करना। हबीब किबरिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने, नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे सीना पाक ने अल्लाह ताला ने कुरान पाक नादर फरमाया इंशाल्लाह है जड़ी मैं गल कर लगा दी डिटेल अगे जाके बयान करांगे। जदों हज़रत इब्राहिम दी औलाद दा तज़किरा फरमाया लेकिन इशारतन बात बयान करना चाहना है ने करके हज़रत इब्राहिम अलैहि सलातो सलाम दे कोले अल्लाह दे भेजे हुए फरिश्ते आए ने ते इंसानी शक्ल दे अंदर आए ने। वाला قد جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا قالوا سلاما قال سلام وما لبسن جاء بعجل حنید۔ کتنے اللہ فرماندے نے حال عطا کا حدیث ضعیف ابراہیم المکرمین۔ فرمایا سنیا کیا تواڈے تک وہ گل نہیں پہنچی جڑی ابراہیم دے پرونیاں دی گل ہے، ابراہیم دے مہماناں دی گل ہے، عزت والے پرونے۔ اللہ فرشتے انسانی شکل دے اندر آئے نے تے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو آ کر کے سلام کیتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے سلام دا جواب دیتا ہے تے اے نہیں پوچھیا ٹھنڈا پیو گے کہ گرم، ٹھنڈا پیو گے۔ اسی ماشاءاللہ مہمان نوازی بھی کرنے ہاں تے مہمان نو بے عزت بھی کرنے، ایویں آ گئے نہیں؟ ٹھنڈا پیو گے، دو منٹ بعد ٹھنڈا پیو گے کہ گرم۔ اللہ مہمان تے بے زبان ہوندا ہے، जो कुछ मुयसर होए उहदे सामने ते मेहमान नूं वी चाहीदा है जे माड़े घर मेहमान जाए तो जो पेश कर दे ते उहदे खाने दा नकस नहीं निकालना चाहीदा, जो लभ जाए अलहमदुलिल्लाह। मैनूं यकीन है अल्लाह दी कसमें जिहड़ा बंदा भी को मेहमान नवाजी कर दे अपनी हसीयत तों वध के कर दे ते खाने दे अंदर नकस निकालना चाहीदा,
मेहमान नूं भी ख्याल रखना चाहिए। वह बेचारा सारा दिन बीबियां भैणां मेहनत करके बड़े शौक नाल खाना बना दियां, एक वादा घाटा थोड़ा जिहा होया, बस मजा नहीं आया। कैसी गल है, गलत बात है। आइए, आए मेहमान की इज्जत भी लाजम है ते मेजबान का एहतराम भी लाजम है। एक खाना खा के जाते ने, दूसरा लोगों के सामने भंडते फिरते ने, कैसी गल है। आइए गौर करना, हबीब ब्रिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सीना पाक ते कुराने पाक नादल फरमाया। अल्लाह फरमाते ने मेरे खलील ने सलाम दा जवाब दिता है ते चले गए ने जाके बछड़ा भुन के लिया के मेहमाना दे के रख दिता है। अल्लाह को अकबला ते अल्लाह की कसम सिलसिला तो सही आदि रवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला को बयान कर दे ने, नबी पाक ने सलातो सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला दी मखलूक दे अंदरों सब तो पहला जिहड़ा मेहमान नवाज ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह को अकबला, सब तो पहले मेहमान नवाज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, बल्कि एक मैं रवायत पढ़ी उहदी सनद दा नहीं मैं जिम्मेदार, लेकिन अल्लाह की कसम वह बड़ी कमाल की बात है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो खाना खान लगते हैं करके बाजार के अंदर निकल जाते, किसी बंदे नूं तलाश करते, कोई बंदा मिल जाए उहदे नाल बह के मैं खाना खावां, उहनूं अपने नाल बैठा करके खाना खावां। उन्नी देर तक खाना नहीं सिखांदे जिन्नी देर तक नाल बैठ के खाना खाण वाला नहीं सी मिल जाता। हज़रत इब्राहीम दीआं तीसरीआं खूबियां, हज़रत इब्राहीम मेहमान नवाज सी ते रब ने इस मेहमान नवाजी का मुल की पाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला को बयान कर देने किताब रकाक दी बुखारी शरीफ दी हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप फरमांदे ने इन्नकुम महशरून खुफातन औरातन व गुरला। नबी पाक फरमांदे ने कयामत वाले दिन लोग नंगे उठणगे, बगैर लिबास तो उठणगे। कमा बताना अव्वल खल्क नुईदो, जिवें पहले दिन बंदा पैदा होए ऐने करके जिस्म नंगा होएगा, बरख ना लो गोणगे। ते नबी पाक ने सलाम, ऐ वेखो मेहमान नवाजी दा मुल पैण लगे। ओ मेरे भाईओ, आए मेहमान दी इज्जत बड़ा वड्डा अमल जे, आए मेहमान दा इकराम इहतराम बड़ा वड्डा अमल है। मैनू रब दी कसम बुखारी पाक दी सिक्के बंद रवायत, रहमत कायनात हबीब किबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक ने सलातो सलाम फरमांदे ने कयामत वाले दिन अल्लाह दी मखलूक दे अंदरो सब तो पहला जिन्हों लिबास पहनाया जाएगा वह हज़रत इब्राहीम होणगे अलैहि सलातो वसलाम। मतलब हज़रत इब्राहीम ने दुनिया ते मेहमान नवाजी का आगाज किया, कयामत वाले दिन अल्लाह अपनी सारी मखलूक दिंदरों सब तो पहला किंडी मेहमान नवाजी करेगा। हाय हाय, कैसा अमल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं लिबास पहनाया जाएगा, अल्लाह वड़ा की हज़रत इब्राहीम मेहमान नवाज सन। तवज्जो करिया जे, हबीब किबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक ने सलातो सलाम फरमांदे ने सब तो पहला जड़ा लिबास पहनाया जाएगा क़यामत वाले दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सलाम नूं पहनाया जाएगा, क्योंकि सब तो पहले मेहमान नवाज हज़रत इब्राहीम ने। तेरे दरवाजे ते को मेहमान आ जाए, खाना खिलाया कर, ये ते बहाना बने मेहमान तेरे घर दे अंदर रहमत बन के आए। ओ जिम्मा रिज़क दा रब ने उठाया, तू गैरा कोनो क्यों मंग रे। जिम्मा रिज़क दा रब ने उठाया, तू गैरा कोनो क्यों मंगने। ओ जेड़ा इशारा कितों नजदीक दिसे, जेड़ा इशारा कितों नजदीक दिसे, जेड़ा वहदा हू ला शरीक दिसे। ओ कुफुवन आहत कहलाया, तू गैरा कोनो क्यों मंगने। ओ जिवें बंदे तेरा सारिक है, इवें रब रहमान दा दर एक है।
ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਸਾਰੇਕ ਹੈ ਇਵੇਂ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਦਰੇਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਗੈਰਾਂ ਕੌਣ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣੇ ਲਾਲਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰ ਮੈਂ ਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦਰਿੰਦ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆਈਏ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚੌਥੀ ਖੂਬੀ ਗਦਰ ਤੇ ਬਰਾਗੀ ਮਲੇ ਸਲਾ ਤੂੰ ਸਲਾਮ ਦੀ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਰਾਗੀ ਮਾ ਲਾ ਅੰਵਾ ਹੁਨ ਹਲੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਡਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਬੜਾ ਨਰਮ ਦਿਲ ਤੇ ਬੜਾ ਬੁਰਦਬਾਰ ਸੀ ਹਰ ਕੰਮ ਕਦਰ ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਤਹੰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੁਰਦਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤੁਹੀਦ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਹੰਮਲ ਤੇ ਬੁਰਦਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੁਹੀਦ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਹੰਮਲ ਤੇ ਬੁਰਦਬਾਰੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਤੁਹੀਦ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਹੰਮਲ ਤੇ ਬੁਰਦਬਾਰੀ ਨਾਲ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਤੁਹੀਦ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੜੇ ਤਹੰਮਲ ਤੇ ਬੜੀ ਬੁਰਦਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਬਾਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਕਤ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਸੀਨਾ ਪਾਕ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਦਕੁਰ ਫਿਲ ਕਿਤਾਬ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਨਨਹੁ ਕਾਨ ਸਿੱਦੀਕਾ ਨਬੀਆ ਇਜ਼ ਕਾਲਾ ਲੀ ਅਬੀ ਯਾ ਅਬਤਿ ਲਿਮ ਤਅਬੁਦੁ ਮਾ ਲਾ ਯਸਮਾਉ ਵਲਾ ਯੁਬਸਿਰੁ ਵਲਾ ਯੁਗਨੀ ਅਨਕ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦਾ ਤਦਕਰਾ ਕਰੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦਾ ਤਦਕਰਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਹੈ ਅੱਲਾ 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 ਤੇ ਖਲੀਲ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਤੋਹੀਦ ਦੀ ਦਾਵਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇਲਮ ਆ ਦੇ ਅਕੜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇਲਮ ਆ ਦੇ ਤਕੱਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਖਤੀਬ ਬਣ ਜੇ ਤਕੱਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਆਲਮ ਬਣ ਜੇ ਤਕੱਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜੇ ਤਕੱਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜੇ ਤਕੱਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਪੈਸਾ ਬਣ ਪਾ ਜੇ ਤੇ ਤਕੱਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਤਕੱਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਖਲੀਲ ਰੱਬ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣ ਗਏ ਤਕੱਬਰ ਆਇਆ ਅੱਜ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਾਪ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਖਲੀਲੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਫਰਾਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੈਨੋ ਜਵਾਨੋ ਬੂੜੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਤਲਖ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਬੂੜੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਸਖਤ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੂੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਿਨ ਖਸੂਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜਰਾ ਤਲਖੀ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਾਪ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਏ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਪ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਏ ਬਾਪ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਏ ਇਹ ਵੇਖੋ ਬਾਪ ਮੁਸ਼ਰਕ ਏ ਤੇ ਕਦਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਤੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਅਬਤੀ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਨਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਬੜੇ ਮੁਅੱਦਬ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਕਿਤਨਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਲੀ ਮਤਾਬੁਦ ਮਾਲਾ ਯਸਮਾਉ ਵਲਾ ਯੁਬਸਿਰੁ ਵਲਾ ਯੁਗਨੀ ਅਨਕ ਸ਼ਈਆ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯਾ ਆਬਾਦੀ ਲੀ ਮਤਾਬੁਦ ਮਾਲਾ ਯਸਮਾਉ ਵਲਾ ਯੁਬਸਿਰੁ ਵਲਾ ਯੁਗਨੀ ਅਨਕ ਸ਼ਈਆ ਨਾ ਸੁਣਨ
सुनते ने ना वेंदे ने ना नफा दे सकते ने तुहाडी मदद नहीं कर सकते इन्हां दीआं इबादतां क्यों करदे जे ते नाल बड़े सोहणे अंदाज़ नाल गल समझाई या अबदी इन्नी कद जानी मिनल इल्म मालम याती का हत्ता पेनी आहदी का सिरातन सविया अब्बा जान मैं रब दी तुही दी दावत ते सवाब ते देंदा पिया मेरे कोल जिहड़ा रब ने मैनू इल्म अता कीते ओह तुहाडे कोल कोई नहीं जे आडो मेरा कहना मान लो मैं तुहानू सीधे रास्ते ते लै के चलना तुहानू सीधे रास्ते ते लै करके जावां या अबती अल्लाह शैतान ऐ अब्बा जान शैतान दी पैरवी करनी शैतान दी पैरवी करनी इहदा मतलब है शिरक शिरक करना शैतान दी पैरवी है क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे वालद शिरक करदे भी सी बुत बनांदे भी सी ते अगे वेचदे भी सी अल्लाहु अकबर ला ते हज़रत इब्राहीम ने शिरक नूं शैतान दी पैरवी आखिया तवज्जो करना हबीब कबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने नबी पाक ने सलातो सलाम दे सीना पाक ते कुरान पाक नादल फरमाया मेरे वल वेख्या जे आखरी गल कर लगावा अल्लाह फरमांदे ने मेरा खलील अपने बाप नु मुखातब कर रहा सी ते कह रहा सी या आबती ला ताबुद शैतान इन शैतान कान लिर्रहमान यासिया ऐ बाजी शैतान दी पैरवी ना करो शैतान दी इबादत ना करो शैतान ते पहले दिन दा दुश्मन है अल्लाह को अकबला ते अगे अगली गल कीती फरमांदे ने या आबादी जिदों भी मुखातब कीता अब्बा जी कह के मुखातब कीता जिदों भी मुखातब कीता जी कह के की कह के जी कह के बोलो की कह के जी कह के जी कह के जी कह के अब्बू नू मुखातब करना ते जी कह के अम्मी नू मुखातब करना ते जी कह के तू कह के मुखातब ना करया कर तू तू ना करया कर तू 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 करेगा तेरे बच्चे उठ के तेनू छित्र मारनगे ते तू जी जी करेगा मैनू रब दी कसम तू बच्चियां कोलों जान मंगेगा तेरे बच्चे तेरे तो जान कुर्बान कर देंगे हज़रत इब्राहीम दी सीरत दा पैगाम है वे जिदों भी मापिया नूं मुखातब कीता जिदों भी अब्बू नूं मुखातब कीता जी कह के मुखातब कीता या आबती इन्नी अखाफुल अय्यम मस्तका अज़ाबुम मिन रहमान फतकूना लिशैतानी वलिया अब्बा जान मैं डर लगते हैं कि ते रब दे अजाब दे अंदर तुसी मुब्तला ना हो जो अब्बा जी हुंदा पे आए ते अगली गले दे नालों भी कमाल दे बाप कहंदे इब्राहीम बाद आडा मैं तेनू घरों कढ देवांगा मैं तेनू रजम कर देवांगा तेनू पत्थरां नाल संसार कर देवांगा मार देवांगा ते हज़रत इब्राहीम बाप दियां तलख गल्लां सुन के पता की कहंदे ने काला सलामन काला सलाम अलैका अब्बा जान मैं तुहाडे इन जुमलियां दे बदले दे अंदर भी सलाम वाले जुमले बोल लवां और मौलाना बड़ी प्यारी तर्जमानी करदे ने बाप दी अजमत दे हवाले नाल ओए मां बाप ने जन्नत दोवें पाक नबी फरमा गए खिदमत कीती जिन्ना जन्नता ने पा गए मां बाप ने जन्नत दोवें पाक नबी फरमा गए बाप राजी ते अल्लाह राजी रुतबा होर मकाम की दसा हुक्म न बाप नू आखण दा सजन तेनू शान की दसा बाप राजी ते अल्लाह राजी रुतबा होर मकाम
काम की दसा हुक्म न बाप आखण दा सजन तेनू शान की दसा बाप दा गुस्सा रब दा गुस्सा नबी पाक ये समझा गए मां बाप ने जन्नत दोवे पाक नबी फरमा गए बाप प्यार मोहब्बत शफकत सजन सिर दे ताज ने घुमदे बाप प्यार मोहब्बत शफकत सजन तिर दे ताज ने घुमदे दुनिया दी इस सज धज अंदर सजन तेरे राज ने घुमदे बाप प्यार मोहब्बत शफकत सजन सिर दे ताज ने घुमदे दुनिया दी इस सज धज अंदर सजन तेरे राज ने घुमदे पालके अंगूरी सोनी पालके अंगूरी सोनी पौधे लगा गए मां बाप ने जन्नत दोवे पाक नबी फरमा गए मां बाप ने जन्नत दोवे पाक नबी फरमा गए खिदमत कीती जिन्ना जन्नता ने पा गए मां बाप ने जन्नत दोवे पाक नबी फरमा गए कर मुशक्कत ते मजदूरी तेरी करे जरूरत पूरी कर मुशक्कत ते मजदूरी तेरी करे जरूरत पूरी गबरू शेर जवान तू होया आ गई तेरे अंदर मगरूरी कर मुशक्कत ते मजदूरी तेरी करे जरूरत पूरी गबरू शेर जवान तू होया आ गई आकड़ ते मगरूरी तेरे लई जवाना है ओ तेरे लई जवाना है जवानियां लुटा गए मां बाप ने जन्नत दोवे पाक नबी फरमा गए मां ते बाप दी जेड़े बंदे यारो ना फरमानी कर सन ध्यान करे आजे किते मां नू नाराज ना कर बैठी किते बाप नू नाराज ना कर बैठी मां ते बाप दी जेड़े बंदे यारो ना फरमानी कर सन दोजख दा बालन बन सन जन्नत विच ओ कदी न वड़ सन मां ते बाप दी जेड़े बंदे यारो ना फरमानी कर सन दोजख दा ओ बालन बन सन जन्नत विच ओ कदी न वड़ सन एते ही साजद गल मुकदी मुका गए मां बाप ने जन्नत दोवे बाकी नबी फरमा गए हजरत इब्राहिम अलैहि सलातो सलाम दिया खूबियां दिंदरोए खूबी के कदर ते इब्राहिम अपने बाप दे ताबेदार सन अपने बाप दे परमा बरदार इज्जत करन वाले एतराम करन वाले इस वास्ते जेड़ी गल भी बाप नाल जिदों कीती है जी करके कीती है या आपति ले मता बुद माला यस्मौ वला युब वला युगनी अन कशैयां चार बातां तुहाडे सामने बयान कीतियां ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सीरत दे हवाले नाल सब तो पहली बात हजरत इब्राहिम ने सारी जिंदगी रब नाल शिरक कीता दूसरी बात सैयदना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी जिंदगी रब दा शिकवा कीता बोलो ते तीसरे नंबर ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सानू अपनी सीरत दा पैगाम दिता है कि बाप भावे मुशरक भी होए ते उहदी नाफरमानी करनी दीन दे मामले दे अंदर उहदी गल नहीं मननी बाकी नाफरमानी करनी बाप दा दिल दुखाना बाप मुशरक भी होए ते इज्जत नाल अदब नाल एहतराम नाल बुलाना है अल्लाह ताला कोल दुआ है अल्लाह सानू किताब सुन्नत दे मुताबिक सीरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे अंदरों हासिल होने वाले सबक ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए
आइंदा जुमा इंशाअल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां अज़मैशां दा तज़किरा करांगे। अल्लाह ताला कोल दुआ है अल्लाह ताला सानू अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।